भारत के विदेश मंत्रालय की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक मां ने ट्विटर पर अपना दर्द बयां किया, अपनी परेशानी बताई और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह सुषमा जी वाह। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दखल के बाद ही एक शख्स को अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भारत आने का वीजा मिला। दरअसल अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के अभय कौल के पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद अभय कौल को तुरंत वीजा की जरूरत थी, लेकिन वॉशिंगटन में विजयादशमी और मुहर्रम की वजह से एम्बेसी बंद थी और अभय को हर हाल में भारत आना था। वहीं वीजा नहीं मिलने के चलते करनाल में अभय का परिवार चिंतित हो उठा। इसके बाद अभय कौल की मां सरिता ने ट्विटर के जरिए सुषमा स्वराज को अपनी परेशानी बताई। सरिता ने लिखा, वॉशिंगटन में गुरुवार से पहले भारत को वीजा नहीं मिल सकता, क्या यही मानवता है? यह विकेट इंतजाम खत्म होना चाहिए। कृपया अमेरिका में मेरे बेटे को भारत का वीजा दें ताकि उसके पिता का अंतिम संस्कार हो सके। सरिता के ट्वीट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सुषमा ने ट्विटर पर जवाब दिया, आपके पति के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ, जरा इंतजार कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। इसके कुछ ही देर बाद विदेश मंत्री का संदेश अमेरिका पहुंच गया। छुट्टी के दिन भी एम्बेसी खुलवाकर सुषमा ने अभय कौल के वीजा का इंतजाम करवाया। अब परिवार भारत सरकार और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आभार जता रहा है। बदौलत जो एक माँ की जो पुकार थी हमारी, भारत सरकार ने सुनी, सुषमा बहन ने सुनी और हाई कमीशन ने उसको अच्छी तरह से एड्रेस किया, एंडोर्स किया और कल रात 12:30 के आसपास वो जो अभी कॉल जो है, जिनको मोनो भी हम कहते थे घर में, तो यहाँ पे आएंगे और फ्राइडे को मॉर्निंग के टाइम आसपास जो है वो दाह संस्कार जो हिंदू रीति के हिसाब से है उसको हम पूरा करेंगे। अभय कौल पिछले 9 साल से अमेरिका में सेटल हैं। उनके पिता विनोद कौल की बीमारी के चलते मौत हो गई। अभय कौल आज रात भारत लौट रहे हैं और शुक्रवार को उनके पिता का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कमरजीत सिंह, वर्क जी मीडिया, करनाल।